बहराइच में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क मोड पर है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि यदि किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी जारी है। शांति समिति की जो बैठक है अपने आप में उसका शब्द जो शांति समिति का मतलब होता है शहर में अमन चैन कायम रहे, किसी के बीच में गलतफहमी ना हो, कानून सबसे ऊपर है, कानून का सहारा ले, जो भी दिक्कतें हैं जो भी परेशानियां चाहे जिस चीज के लिए किसी भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें, कानून का सहारा ले। साथ ही साथ आपस में कुछ गलतफहमी पैदा करने वाले लोग, भड़काने वाले लोग, अराजक तत्व जो है उनसे बच करके रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ इस शांति समिति के माध्यम से, शांति कमेटी के माध्यम से ये भी संदेश देने की हम लोगों ने कोशिश की है कि कोई अराजक तत्व अगर, कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई भी गंदा मंसूबा पाल रखा है तो उसके मंसूबे को हम लोग सफल नहीं होने देंगे और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। कल जुमे की नमाज है, इसको लेकर क्या सतर्कता? जुमे की नमाज को लेकर हम लोग सतर्क हैं और अप्लाई किए गए हैं सारे और सारे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट साथ में हम लोग सील रहेंगे और चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगे, कहीं कोई बात नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।